इंडिया की टीम में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है? विराट कोहली। विराट कोहली को क्यों पसंद करते हैं आप? परफॉर्मेंस अच्छी देता है विराट कोहली। क्या वजह है, क्यों पसंद है आप? अच्छी उसकी कवर ड्राइव अच्छी है, बैटिंग अच्छी करता है विराट कोहली। विराट कोहली क्यों पसंद है? विराट कोहली की बैटिंग, उसकी टैलेंट और उसकी जो एग्रेशन वो दिखाता है उसे। इंडिया की टीम में वैसे तो विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है क्योंकि पूरी दुनिया उसको मानती है, इस वजह से हमें। क्यों पसंद है वो विराट कोहली? क्योंकि उसकी जो शॉट्स होती हैं वो बड़ी पक्की शॉट खेलता है और अच्छी खेलता है विराट कोहली। क्या वजह विराट कोहली क्यों पसंद? क्योंकि वो एक अच्छा बैट्समैन है, अच्छा वो जिस भी टीम के खिलाफ खेलते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। की टीम में फेवरेट तो नहीं, अलबत् विराट कोहली अच्छा प्लेयर है, अच्छा बैट्समैन है, तो सपोर्ट। इंडिया की टीम आपको कैसी लगती है? आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप में कितने चांस है कि वो जीतेंगे? चांसेस तो उनके ज़्यादा है क्योंकि उनकी टीम जो है वो मजबूत है इस वक्त, और पाकिस्तान की टीम में तब्दीलियां होने की वजह से ज़्यादातर ख़राब ही रहती है, इस वजह से उनके चांसेस ज़्यादा बनते हैं। मैं आखिरी गेंद तक कोई पता नहीं चलता, लेकिन वैसे 50% चांस है इंडिया के। फिलहाल तो इंडिया ही नज़र आ रही है क्योंकि उसके अच्छे प्लेयर्स हैं। अच्छा। क्योंकि उन्होंने धोनी को भी साथ लिया है एक मतलब एक मेंटोर के तौर पर। बिल्कुल सही। पाकिस्तान और वर्ल्ड कप में इंडिया का कंपैरिजन करें तो कौन सी टीम आपको स्ट्रॉन्ग लग रही है? देखिए वैसे देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग तो इंडिया की लग रही है क्योंकि उसमें सारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान में अभी जो भी खिलाड़ी हैं, एक दो हफीज़ भाई हो गए, दूसरा क्या है बाबर हैं, ये थोड़ा पुराने खिलाड़ी हैं, बाकी सारे नए खिलाड़ी हैं। लेकिन देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो जज्बा जोश है उसके ऊपर अगर खेलें, अगर पाकिस्तान का दिन होगा तो उसको कोई भी नहीं हरा सकता है। इंडिया का क्रिकेट सिस्टम अच्छा क्यों है पाकिस्तान से, और क्या वजह है कि वो उनकी क्रिकेट बहुत अच्छी है, उनकी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्या कहेंगे? इसलिए कि उनके खिलाड़ी तो ज़्यादातर यही होते हैं कि मेहनत करते रहते हैं, और पाकिस्तान में तब्दीलियों की वजह से जो है वो एक खिलाड़ी को थोड़ा सा मौका देते, आगे वो थोड़ी सी परफॉर्मेंस करता है तो फिर उसको बाहर निकालते, दूसरे को लाते, दूसरे को देते। तब्दीलियों की वजह से कोई खिलाड़ी आगे नहीं जा सकता। तो पाकिस्तान, आप कह रहे हैं कि वो मेहनत बहुत करते हैं, पाकिस्तानी मेहनत नहीं करते क्या? पाकिस्तान में भी कुछ खिलाड़ी मेहनत करते हैं, जैसे बाबर आजम को देखो, वो अपने पाकिस्तान के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। और इस तरह और भी खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बास को जब एक मैच खिलाते दूसरा मैच खिलाते तो फिर उसकी वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करें तो कौन सी टीम आपको स्ट्रॉन्ग लग रही है? इंडिया की। क्या वजह? उसकी खिलाड़ी सारी, एक तो है सीनियर है और उनके पास एक्सपीरियंस है, जो हमारी मौजूदा टीम है जो सेलेक्ट हुए इसमें कोई भी ऐसे खिलाड़ी नहीं सिवाय चंदो के। इंडिया का क्रिकेट सिस्टम पाकिस्तान से बेहतर क्यों है, क्या वजह है इसकी? क्योंकि इंडिया हमेशा से पाकिस्तान को देख के जो अच्छी चीज़ें उन चीज़ों को फॉलो करते हैं और उसको अपने कार्टूनीज में और पिछों मिलाते हैं। पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं, पाकिस्तान में बस रिश्वती है और सिफारिश है, टैलेंट नहीं है। तो क्या आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है या पाकिस्तान में सिफारिश और रिश्वत ज़्यादा? टैलेंट कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन सिफारिश ज़्यादा है। टैलेंट इंडिया में सिफारिश और रिश्वत नहीं है, उधर भी है, लेकिन बाकायदा वो उसको सिफारिश के साथ उसके लड़के के परफॉर्मेंस को भी देखते हैं, उसकी डोमेस्टिक सर्कल है जो अंडर 19 में उसने जो कारकर्दगी दी उसके पीछे कारकर्दगी को भी देखते हैं, उसी पे टीम को लाते हैं। वजह इंडिया की टीम क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनका सिस्टम क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है, क्या वजह? इसका वजह ये है कि वो अगर अपने खिलाड़ियों को PSL जैसे उनका IPL है वो खिलाते हैं तो वो उनको बार बार प्रैक्टिस कराते हैं ताकि वो सही बैट्समैन या बॉलर बन के आ गए। तो पाकिस्तानियों में अक्सर ऐसा होता है कि एक आधा PSL खिलाते हैं उसके बाद वो टीम में लेके आते हैं, नेशनल टीम में लेके आते हैं, तो इस तरह तो नहीं होता ना। कोहली या बाबर आजम दोनों में से कौन सा पसंद है? वैसे तो बाबर आजम पसंद है मुझे, क्योंकि वहाँ पे जो सिस्टम है, जो वहाँ के जो इंतज़ामिया है वो अच्छे उनको प्रोवाइड करते हैं, फिर अच्छे मतलब सिस्टम वहाँ पे है, यहाँ पे आप खुद देखें फैसिलिटीज़ अच्छी है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है वहाँ की, यहाँ की वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो वहाँ पे। तो यहाँ के कौन सा मतलब पानी में क्रिकेट खेलते हैं, ये भी तो अच्छी फैसिलिटीज़ इनको मिलती है, इनको इतना पैसा देते हैं। अब बेशक वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन तो माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर है, अगर PCB जो रमीज राजा साहब है अगर वो देख ले तो ये 3-4 प्लेयर्स की जगह ये 3 अच्छे प्लेयर ला सकते हैं। इंडिया की टीम है वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन टैलेंट, तो इसी वजह से पाकिस्तान की जो टीम है उसमें से तो मुझे फिलहाल कोई टैलेंटेड दिखाई नहीं दे रहा। तो बाबर आजम तो ऑब्वियसली एक हो सकता है, तो एक तो नहीं खेल सकता, 11 प्लेयर्स है तो वो तो कहते हैं टीम प्लेयर मीन्स कि टीम पूरा टीम खेलेगा, तो एक दाना तो नहीं हो सकता, तो 11 सेलेक्शन होने चाहिए, अच्छे प्लेयर्स होने चाहिए, एक से तो नहीं हो सकता पूरी टीम। ठीक है, थैंक यू।